Yes, okay. ma'am. ओम ज्ञानतिमरंध्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुर्मित तस्म श्रीगुरव नमः नमः विष्णु पा कृष्ण पृष्ठातमे भक्ति वेदंता स्वामी नामिने नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषन्यवादी पशा ते सरिने वंश कलपतरुभ्य कृपा सिंधु

I like to convey my thanks to Deepak Bhaira Prabhuji for doing this beautiful service by reminding all devotees and making a rostral kind of thing. And he's ensuring that this talk is going on nicely. So I'll request and please bless me so that whatever I am going to speak in the next 10 minutes, it should be as per the Shastras. As Uh, ये जपा सेशन में हम छोटे छोटे दो चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे नंबर वन इज डीलिंग थ्री कैंड ऑफ पीपुल लॉर्ड इन एवरी थिंग्स हम सभी को पता है कि हम लोग जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें uh, क्यों कर रहे हैं व्हाट इज द एम ऑफ व्हाई वी आर टेकिंग सो मच ऑफ पेन और व्हाई वी आर डिफरेंट अदर्स हम क्यों ये कर रहे हैं इसका इसके क्लैरिटी हम सभी को है एटलीस्ट इफ आई एम नॉट वांट टू बी वेरी है हमारे में थोड़ा uh, ये समझदारी आ जाए कि हम सर, हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे टैकल करें एंड ऑफकोर्स टू डेवलप लव ट And go back to the so, कोई भी हम अगर कोई भी ह्यूमन बींग देखें उनके दो तरह के स्वभाव होते हैं नंबर वन इज बॉडिली ने शारीरिक के एक स्वभाव होता है सो so, वो क्या है हम जो पैदा होते हैं कहाँ पैदा होते हैं हमारा पुर पुराना कर्म के हिसाब से हाँ, आज लॉज ऑफ कर्मा हमारा पुराना जो कर्म किया है उसके हिसाब से सभी क्या है बॉडिली नेचर होता है तो कोई धनी होता है तो कोई गरीब होता है कोई डिफरेंट डिफरेंट आप सिंपल सा देख लीजिए कोई खाने में अलग अलग रुचि रखते हैं हाँ तो कोई बोलने में अलग अलग रहते हैं कोई बहुत ही गुस्से वाले होते हैं कोई बहुत ही सरल टाइप के होते हैं सो दीज आर द बॉडीली नेचर हमारे सिचुएशन के हिसाब से वो बॉडीली नेचर होता है कमिंग टू द सेकेंड नेचर जो हमें खुद को डेवलप करना पड़ता है एंड दैट इज अः प्रैक्टिसिंग हम कोई भी चीज को प्रैक्टिस करके हम ट्रेनिंग करके हम उसको डेवलप कर सकते हैं this is the second nature so this krishna consciousness is also comes under the uh, second nature like subha mangalarti mana subha japa Mayana, subha and to be along with the devotees and so on so this is this is can be only uh, done by practicing so this is called the second nature तो अभी अभी अगर देखिए हम हम, आ, हम मेरे पास एक सपोज एक कमरा है तो मैंने उसको दे दिया किसी रेंट पे दे दिया किसी पुलिस स्टेशन को तो नाउ इट बिकम्स अ पुलिस स्टेशन हमारे पास कुछ कमरे हैं जो हमने गवर्नमेंट को दे दिया एंड गवर्नमेंट अपना ऑफिस खोल लिया तो वो गवर्नमेंट का उधर कार्यालय खुल जाता है लाइक दिस like हमारा जो हमारा जो सेंसेस है इट इट इज लाइक दैट ओनली सो इट इज बेस्ट पार्ट ऑफ देंसेस इज अडोटेबल ये अपना सिचुएशन के हिसाब से अडोप्ट कर सकती है सो इट कैन बी चेंज सो हमारा जो क्वालिटी है हमारा जो सेंसेस सेंसेस का टेस्ट है जो भी है हम उसको ट्रेनिंग अपना कर सकते हैं सो वी हैव टू टू ट्रेन आवर सेल्फ प्रैक्टिस है so तो ऐसे ऐसे टाइम आ जाना चाहिए लाइक like जैसे हम जमीन वमीन बेचते हैं तो उसमें एक पावर ऑफ पार्टून ही आ जाता है तो हमारा जो अभी जो बोला कि सेकंड नेचर है जो विच इज डेवलप्ड बाय अस एंड इज व्यू डन बाय प्रैक्टिसिंग उसको हमें डेवलप करना चाहिए हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे हमारे भी बहुत सारे भक्त हैं जो पुराने टाइम में बिफोर बिकमिंग द डिवोटी एंड ऑल सभी का अलग-अलग नेचर रहता है बट नाउ दे आर कंप्लीटली चेंज्ड एंड इट इज एक्सपेक्टेड आल्सो सो दिस इज व्हाट इज द सेकंड नेचर इन भक्ति इन भक्ति देयर इज टोटल 64 लिम्स 64 अंग होते हैं और उसमें से पांच इस मोर इंपॉर्टेंट क्या है वो साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण शिव विग्रह का अर्चन करना एंड मथुरावास करना वो चौसठ ये पांच सबसे इम्पोर्टेंट है और ये पांचों में से हमारे लिए ये ये युग में सब ये सब करना बहुत मुश्किल वो भी पांचों के पांच से फॉलो करना मुश्किल हो जाता है इसीलिए इनमें से सर्वश्रेष्ठ क्या है, साधु संग, है। साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र साधु का लव मात्र संग सर्व सिद्ध है सो ये पांचों में से अगर हम साधु संघ करेंगे एसोसिएशन हम लेंगे शुद्ध भक्त का एसोसिएशन लेंगे ये पांचों के पांचों अपने आप हो जाएगा उसमें कीर्तन भी हो जाएगा क्योंकि विल टेक एसोसिएशन ऑफ ऑफ द द प्योर सर्विस उसमें कीर्तन भी हो जाएगा उसमें श्रवणम भी हो जाएगा उसमें भगवान का अर्चन भी हो जाएगा एंड मथुरा मथुरा में भगवान का वहां पे चर्चा होती है वही मथुरा है ऐसे नहीं कि हम मथुरा में जाके बास करें So, like, like, साधु संघ करना है तो इसमें लेकिन साधु संघ करने के टाइम में हमें दो चीज की बहुत ध्यान रखना चाहिए हम तो बोल रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा बट वी हैव टू बी वेरी सीरियसली लुक इन टू की हम संघ किस तरह से कर रहे हैं हम अपने तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं सो वी है कि हमसे वैष्णव अपराध ना हो जाए लेकिन आई एम सेव टू वेरी सीरियसली सी लुक टू इन टू दिस की हमसे वैष्णव अपराध ना हो जाए सो टू मेंटेन अभी का जो आज का जो टॉपिक था टू में प्रोपर रिलेशन विध

भाग, like uh, three, three is, is हमसे जो बड़े हैं चाहे उम्र में बड़े हैं चाहे धन संपत्ति में बड़े हैं चाहे उनका नॉलेज में बड़े हैं हु एवर इज हाईली क्वालिफाइड सो विल टेक दम मोर एंड कुछ हमारे रहते हैं तो शुड बी वेरी प्लेज हमें बहुत खुश रहना चाहिए क्यों खुश रहना है? और एक डिबोटी के, के के केस में तो हमें हंड्रेड परसेंट खुश रहना चाहिए अभी देखिए कल एक एग्जाम्पल लेते हैं कल हमारा प्रेम निवाई प्रभु जी एक नया गाड़ी खरीदे

उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए ना कि एनवियस करना चाहिए और हमारे बराबर का कोई है तो हमें फ्रेंडली आचरण करना चाहिए हमें फ्रेंडली आचरण करना है और हम हमसे कोई हर चीज में चाहे ज्ञान में हो चाहे धन संपत्ति में हो चाहे किसी भी चीज में अगर कोई हमसे थोड़ा कमजोर है वी हैव टू लाइट हमें उनको अपलिफ्ट करना चाहिए ना कि उनके उनके ऊपर देखो कितना यू नो गरीब ये है कितना ये है उस इस तरह का कमेंट से करने से अच्छा हमें उनको अपलिफ्ट कैसे करना चाहिए उसको एनकरेज करना चाहिए सो दिस दिस इज अगर हम ये तीनों तरह का चीजें हम वी शुड कीप इन माइंड तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और इसमें से हम वैष्णव अपराध से भी बच जाएंगे किसी का करने से भी बच जाएंगे दिस इज द फर्स्ट टॉपिक व्हाट टू द सेकंड टॉपिक व्हिच इज अगेन वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड कल कल का भी जो शाम का जो प्रोग्राम था उसमें भी हम इस चीज के बारे में डिस्कशन किया टू बिकम हैप्पी वी हैव टू रियलाइज दैट हमारे जिंदगी में जो जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ भगवान ही अरेंज किया हुआ है उसमें से छोटा छोटा एग्जाम्पल भी प्रभुजी ने दिए थे एक स्टोरीज भी था राइट नाउर रनिंग शर्ट ऑफ टाइम सो सो अभी उसमें से उसको भी देखने के लिए हमें तीन चीज की आलोचना करनी चाहिए वी हैव टू डिस्कस थ्री थिंग्स द कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोल हमें अगर समझ में आ जाए कृष्णा जो भी हो रहा है ही इज इन कंट्रोलिंग एवरीथिंग देन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नंबर टू इज लाइक कृष्णा नेवर मेक्स ए मिस्टेक हम अपने जिंदगी में मिस्टेक कर सकते हैं लेकिन भगवान का जो अरेंजमेंट है एंड uh, उसमें कोई मिस्टेक हो, हो नहीं सकता है लास्ट टाइम भी मैं अपना जफट में यही चीज बोला था कि देर देर नॉट बी एनी मिस्टेक एंड देर बी एनी क्रॉस कनेक्शन मैं कुछ किया तो मेरा uh, मेरा कर्म का दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। उसका रिजल्ट दूसरे को नहीं जा सकता इट्स इट्स वेरी क्लियर देर नॉट बी एनी एरर

so if if we 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 are 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 convinced convinced that Krishna is the supreme controller and and he never makes a mistake सो इफ वी in every situation and whatever comes to us हमारा एवरी हमार जिंदगी में जो भी कुछ होता है टू आवर प्लेट अप्लाई एक्चुअली फ्रॉम आवर मार्शल आर्ट अगर हमारे, हमारे हिसाब से हम जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से होता है तो हमें अच्छा लगता है बट समटाइम वट वी प्लान इट इज अगेंस्ट दैट बट वीव टू अंडरस्टैंड हमें ये समझ में आ जाना चाहिए इट्स ए लाइक like, हम कभी कभी अपने बच्चों को कभी गुस्सा करते हैं कि वी 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 नो नो बिकॉज़ व्हाट 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 इज इज गुड एंड बैड बैड फॉर देम तो टेक अ डिसीजन लाइक अस अस हैव टू अंडरस्टैंड और आज पर मैसेज है हम कैसे, कैसे किसी किसी के संसार में किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए नंबर तो उसमें से स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विद द डिवोटीज हम ये कोशिश करना चाहिए कि हमसे वैष्णव अपराध ना हो जाए सो प्रॉपरली वी मस्ट टेक एसोसिएशन ऑफ वैष्णव विदाउट अपराध second thing is like we are uh, if we are convinced with the three things like krishna is the supreme controller krishna never makes a mistake and krishna loves us in every situation and whatever happening in our life it is because of the his plan only then uh, we will be very much convinced we problem nahi hoga, and we will get the strength to understand uh, and to be happy in all situations in our life so it is well planned and we have to adapt it and we have to be happy uh, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टॉलरेटिंग मी जगत गुरु शिला प्रभुआ देखी जय समृत भक्ति प्रदे जय